नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। आइए जानें सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक एक कुड़ी पत्नी कैसी होनी चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पत्नी पति के शरीर का आधा हिस्सा होती है और साथ ही लक्ष्मी स्वरूपा होती है। कई शास्त्रों में इसको लेकर अलग अलग वर्णन किए गए हैं। हिंदू शास्त्रों में पत्नी को वामांगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसीलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान शिव के बाएं अंग स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक शिव का अर्धनारीश्वर रूप है। अर्धनारीश्वर शरीर शिव जी का है। यही कारण हस्तरेखा विज्ञान की कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाएं हाथ से और पुरुष की ओर बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है स्त्री पुरुष की वामांगी होती है, इसीलिए सोते समय और सभा में सिंदूर दान, द्विरागमन, आशीर्वाद ग्रहण करते समय, भोजन के समय स्त्री को पति के बाईं ओर ही रहना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्र सनातन धर्म कहता है। कन्या दान के समय स्त्री को इस तरफ रहना चाहिए। वामांगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र कहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पति के दाईं या बाईं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे तर्क यह है कि जो कर्म सांसारिक होते हैं उनमें पत्नी पति के दाईं ओर बैठती है, क्योंकि ये कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह ये सभी पारलौकिक कार्य माने जाते हैं, इन्हें पुरुष प्रधान माना जाता है। इसीलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने का नियम है। स्त्री को इस वजह से अर्धांगिनी कहा जाता है। सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूर्ण करती है, उसे खुशहाल प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है, उसे सभी सुख प्रदान करती है जिसके वो योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता बेहद दुनिया भर में महत्वपूर्ण माना गया है, चाहे सोसाइटी कैसी भी हो, लोग कितने मॉडर्न क्यों न हो जाए। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते का रूप वही रहता है, प्यार और आपसी समझ से बना हुआ। महाभारत में भीष्म पिता ने भी यही बात कही थी। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। भीष्म पिता ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है। यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो घर में खुशी आएगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में व्याख्या की गई है कि पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस पत्नी में ये गुण हो वो स्वयं को भाग्यशाली समझे। कहते हैं पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे, इसीलिए गरुड़ पुराण के तथ्य ही कहते हैं। सा भार्य या गृहे दक्षा, सा भार्य या प्रियबंदा, सा भार्य या पति प्राणा, सा भार्य या पतिव्रता। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझने वाला एक श्लोक मिलता है, यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और पति पराया है, वास्तव में ही पत्नी है। गृह कार्य में दक्षता पर वो पत्नी जो घर के काम का संभालने वाली, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करे, बड़े से लेकर छोटे का ख्याल रखे। जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, सफाई करना, घर को सजाना आदि कार्य, वो एक गुड़ी पत्नी कहलाती। इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठाना, घर आए अतिथियों का सम्मान करना, कम संसाधनों में गृहस्थी को अच्छे से चलाना, पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार गुड़ी कहलाती है। ऐसी पत्नी हमेशा ही पत्नी की प्रिय होती है। हालांकि बदलते हुए समाज, बदलते हुए समय में आज स्त्रियाँ घरों से बाहर निकल कर काम काज कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं,
तो पैसों का अच्छे से संयोजन करना भी एक अच्छी पत्नी की निशानी है। यही वजह है कि प्रियवादिनी कहा गया है। प्रियवादिनी से तात्पर्य मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के ज़माने में जहां स्वतंत्र स्वभाव और तेज तरार बोलने वाली पत्नियां हैं जो नहीं जानती किस समय कैसी बात करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से या किसी से भी सदैव संयमित भाषा में मधुर बोलने वाली पत्नी ही गुड़ी पत्नी होती है और इससे सभी प्रसन्न होते हैं। अपनी बात को स्पष्ट रखें लेकिन मधुरता से बोले। ऐसी गुण जिसकी पत्नी में हो वो भाग्यशाली माना जाता है। पति परायणा यानी पति की हर बात मानने वाली। गरुड़ पुराण के अनुसार एक गुड़ी पत्नी होती है जो पत्नी अपने पति को सब कुछ मानती हो, उसे सर्वस्व मानती हो, कभी भी अपने पति के बारे में बुरा न सोचती हो, पत्नी गुड़ी है। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, वो उस नए घर की बहू भी कहलाती है। उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका गहरा रिश्ता बन जाता है। इसीलिए विवाह के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज को स्वीकारना ही स्त्री की जिम्मेदारी है। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।